एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टीम इंडिया 2023 और 83 का वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता था उसकी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मैं माइंडसेट कोच हूं। तो दोनों की टीम और मैच की बस एनालिसिस करेंगे, क्या चीज़ें थी कि 83 में इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया था जबकि सामने वेस्ट इंडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थी, उन्होंने भी 20 साल राज किया था और उस वक्त की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी वेस्ट इंडीज़, और इंडिया उससे पहले कोई वर्ल्ड कप जीता भी नहीं था। एंड 2023 में भी सीन कुछ ऐसा ही था, यानी सामने ऑस्ट्रेलिया था जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, ऑफ कोर्स उसे हराना एक टफ टास्क है, और हमारे बैट्समैन एंड हमारे बॉलर्स एंड हमारे कैप्टन्स और हमारे जो टीम इंडिया है उन्होंने अपना बेस्ट दिया। विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, वी सपोर्ट टीम इंडिया, बट यहाँ पर सिर्फ हम एनालिसिस करेंगे क्या चीज़ें हैं जो हमें जीत दिलाती हैं और क्या चीज़ें हैं कि जिनसे हम जीतते जीतते रह जाते हैं। सो यहाँ पर 83 का वर्ल्ड कप सिर्फ मैंने मूवी में देखा है, हालांकि वो मूवी है तो उसमें बस उसकी 100% चीज़ें हो सकता है मैं ना खाएं, बट वो मूवी भी मोर और लेस उन 83 के वर्ल्ड कप के सिनेरियो को डिपिक्ट करती है। सो उससे हम सीख सकते हैं। जब 83 में कपिल देव से पूछा गया कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वर्ल्ड कप से, तो उन्होंने जवाब दिया था कि वी हेयर टू विन, जिस पर लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अच्छा वर्ल्ड कप आप जीतेंगे, क्योंकि उस वक्त टीम इंडिया का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था, बट स्टिल कैप्टन ने कहा था कि वी हेयर टू विन, और इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 183 बनाया था। एंड जब बैटिंग के लिए वेस्ट इंडीज़ उतरी थी देन, तब भी कैप्टन कहते हैं कि 183 उन्हें बनाने हैं जो हम उन्हें बनाने नहीं देंगे। एंड सिनेरियो कुछ ऐसा ही था कि स्टार्टिंग में वो लोग बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, एंड यहाँ तक कि उनकी पत्नियाँ निराश होकर घर चली जाती हैं अपने होटल में चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब जीतना मुश्किल है। लेकिन किस तरह से मैच पलट गया और अंत में उन्होंने उनका जो एक किलर इंस्टिंक्ट था वो सामने आया और अंततः टीम इंडिया मैच जीत गई। 2023 में पहला जो इनिंग था वो मैंने नहीं देखा था, लेकिन सेकेंड इनिंग में जब इंडिया बैटिंग कर रही थी, इंडिया फील्डिंग कर रही थी और ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी, वो मैंने पूरा देखा। एंड देखकर साफ झलक रहा था कि जब 63 पर 3 विकेट्स हो गए थे एंड उसके बाद जैसे जैसे रन बनते जा रहे थे, विकेट्स नहीं गिर रहा था, पूरी टीम पर प्रेशर साफ झलक रहा था, उन्हें साफ ऐसा लग रहा था कि उनके फेस एक्सप्रेशंस को आप देखेंगे तो एक कहीं ना कहीं प्रेशर साफ दिख रहा था, जो कि हमें भी लोग भी कहने लगे और लास्ट में लोग निकल गए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अब जीतना मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें थी जो बदल गई, यानी कि ऐसा लगना कि अब जीतना मुश्किल है, यही चीज़ें जो होती हैं, यही चीज़ें जीत दिलाने में सबसे बड़ा रोड़ा अटका देती हैं। 83 का वर्ल्ड कप जब जीत गया था उसके बाद भी वेस्ट इंडीज़ को इतना झटका लगा, क्योंकि ये एक मीन्स उस वक्त की छोटी सी टीम ने उन्हें हरा दिया। इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने बाद में एक सीरीज़ रखी थी एंड सीरीज़ में भी वनडे में 6-0 से वेस्ट इंडीज़ लीड कर रही थी, यहाँ तक कि इन मीडिया ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि वर्ल्ड कप इंडिया ने तुक्के से जीत लिया था। एंड तब काउंसलर्स की यानी विशेषज्ञों की टीम बिठाई गई और उस वक्त सुनील गावस्कर से को बैठा कर ये समझाया गया कि अगर मार्शल मैल्कम वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं तो तुम वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन हो, यहीं से उनका माइंड सेट चेंज हुआ और उन्होंने फिर जैसे ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ उन्होंने उसमें 3 चौके लगातार लगाए और मार्शल मैल्कम अपनी, मैं शायद नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ,
वो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि तभी मैं समझ गया कि यहाँ से टीम इंडिया बदलने वाली है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि अब टीम इंडिया का माइंडसेट चेंज हो चुका है। सो क्या बदल गया? सिर्फ माइंडसेट बदल गया, सिर्फ एटीट्यूड बदला था। सेम सिनेरियो था 83 में भी, सेम सिनेरियो था 2023 में भी, जबकि आज के प्लेयर्स को ज़्यादा फैसिलिटीज है, ज़्यादा कोचेज़ हैं, सारी चीज़ें, एंड BCCI को भी एक माइंडसेट कोच को भी शायद होगा, लेकिन रखना चाहिए, क्योंकि सारी कोचिंग सारी ट्रेनिंग्स अपनी जगह है, बट माइंडसेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा काम करता है, जीत में भी और हार में भी। यही माइंडसेट, और दृश्यम अभी मैं देख रही थी, दृश्यम 1 भी मैंने देखा है, दृश्यम 2 भी मैंने देखा है। उसको उसे पुलिस ने, उसकी वाइफ ने अजय देवगन से बुलवाने की इतनी कोशिश की कि तुमने मर्डर किया है, लेकिन अजय देवगन अंत तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये मर्डर मैंने किया। यहाँ तक कि उनकी वाइफ ने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो जिन चीज़ों को हम माइंड में या अपनी ज़ुबान से हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो चीज़ें नहीं होती हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने पहले ही बोल दिया था कि मैं स्टेडियम में ऑडियंस को शांत देखना पसंद करूंगा, यानी उन्होंने पहले ही ये इशारा दे दिया था कि हम जीतने वाले हैं। सो यहाँ पर सिर्फ दोनों के सिनेरियो को आप जब कंपेयर करेंगे, तब पाएंगे कि उस वक्त की टीम इंडिया, आज की टीम इंडिया कई ज़्यादा डेवलप्ड है, एंड टीम अपोनेंट सेम, एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट उस वक्त भी था, आज भी एक सेम अपोनेंट था, लेकिन उस वक्त का एक विनिंग एटीट्यूड कैप्टन का, कपिल देव का, सारे प्लेयर्स का कहीं ज़्यादा हाई था कि नहीं, मुझे किसी तरह जीतना है। जिसमें कपिल देव कहते हैं कि इट्स अ मैच ऑफ डू एंड डाई, जो आपने मूवी में देखा होगा, यानी कि उन्होंने जब खेला डू और डाई के एटीट्यूड से खेला, और जब इस मैच का आप सेकेंड इनिंग देखेंगे तो आपको साफ सारे प्लेयर्स में दिखेगा कि वो लोग मींस लॉस को मींस साफ दिख रहा है कि एक डर है, एक भय है, एक इनसिक्योरिटी है, और लास्ट में कैचेस का या बाउंड्री का चला जाना, ये सारी चीज़ें, यानी एक हार का भय जिसे हम कहते हैं, वो साफ दिख रहा था सारे प्लेयर्स के चेहरे पर। सो ये हालांकि ये काफ़ी क्वाइट नेचुरल है, इतने स्ट्रॉन्ग टीम जब सामने होती है बोलना बहुत आसान है, हमने बल्ले पकड़े नहीं हैं, सो इस पर किसी भी तरह का ये एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है। जो फील्ड में उतर कर बल्ला हाथ में रखकर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ खेलना और बोलना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो बोलना बहुत आसान है, टीम इंडिया ने अपना बेस्ट दिया बस यहाँ पर, और उन्होंने, उनकी जगह कोई भी कोई भी इंसान वहाँ पर रहेगा तो उसे यही फीलिंग्स आएगी, ये बोल देना मुँह से। एंड लोग आज कमेंट कर रहे हैं कि उसको खेलना नहीं आता, उसने ऐसा किया, रोहित शर्मा ने ऐसा किया, ये बिल्कुल गलत है। आप बल्ला हाथ में देकर लेकर ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़े हो जाएं तो यही बहुत बड़ी बात है, और हमारी टीम इंडिया ने तो अच्छी खासी मेहनत करके उन्हें एक मजबूत सिनेरियो दिया था। अब क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, उन्होंने जीत दिलाई, एंड आगे टीम इंडिया ऑफकोर्स जीतेगी। सो ये बस एनालिसिस था कि किस तरह, क्या चीज़ें हैं जो हमें जीत दिलाती हैं, एंड क्या बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जीत से जीतते जीतते हम रह जाते हैं। सो ये थोड़ा सा एनालिसिस था, होप इससे आपको समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। Thanks for watching.